आप में से बहुत सारे लोग सर्विस सेंटर के जाने के बारे में सोच रहे होंगे और आपने एक ट्राई किया है YouTube की वीडियोस को देख के कि शायद आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाए। तो इस वीडियो में आप यही सीखेंगे कि हम अपने सर्विस सेंटर में किस तरह से किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को, जैसे कि Realme, Oppo, Vivo, OnePlus, Samsung, Xiaomi, Redmi, Poco, इनमें से किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लगे हुए इस तरह के पिन, पैटर्न, पासवर्ड, साथ में फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को किस तरह से घर बैठे बिना कंप्यूटर के यहाँ पे हम रीसेट करेंगे, साथ में आपके हैंडसेट को अनलॉक तो करेंगे ही, आपके हैंडसेट का एक भी डेटा जैसे फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन को बिना डिलीट किए हम इसे रिकवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, जहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं अनलॉक एनी एंड्रॉयड डिवाइसेस विदाउट एनी डेटा लॉसेस एंड विदाउट एनी कंप्यूटर। तो इस वीडियो को जो कि सीखने वाली है आपके लिए, तो पूरे पेशेंस के साथ देखिएगा। एक बार में वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आप इस मेथड को सीख के अपने लॉक हुए एंड्रॉयड स्मार्टफोन को घर बैठे ही आप अनलॉक कर सकते हैं, वो भी मात्र चुटकियों में। तो चलिए आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को किस तरह से अनलॉक करेंगे। दो तीन स्टेप्स हैं जिन्हें आपको बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले ये आपका लॉकिंग डिस्प्ले है, आप जो देख रहे हैं हैंडसेट, इसे आप जब ऊपर करते हैं अनलॉक करने के लिए, यहाँ आपको पासवर्ड डालना होता है। याद रखिएगा, यदि आप यहाँ पे गलत पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, यानी कि मेनी टाइम्स, तो आपका जो हैंडसेट है वो डेड मोड में जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल का जो स्मार्टफोन है वो रियल में स्मार्ट होता है, और उस हैंडसेट में डेटा को सेफ रखने के लिए, डेटा को मतलब उसे बचाने के लिए, आपका जो हैंडसेट है मेनी रॉन्ग पासवर्ड जब अटैम्प्ट होता है तो उसे ऐसा लगता है कि आप उसके जेन्यून ऑनर नहीं है, और इस हैंडसेट के डेटा को बचाने के लिए वो डेड मोड में जा सकता है। तो ये गलती ना करें, पासवर्ड याद नहीं है तो आप मैक्सिमम 10 बार ट्राई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। तो आखिर आपको करना क्या है जिससे आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाए, ध्यान से देखिएगा, हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जहाँ पे आप पासवर्ड डालते हो, नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल। आपको इसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसे ओपन कर लेना है। अब आप देख सकते हैं हमारे हैंडसेट में इमरजेंसी कॉल्स ओनली का पेज आ चुका है। यहाँ पे हमें एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं करना है, यहाँ पे हमें अपने हैंडसेट को बचाने के लिए एक सिक्योरिटी नंबर है उसे यहाँ पे डायल करना है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, और इसमें जो नंबर डायल करेंगे वो है *#8#99##, और आप देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे इन कोड को डाला, ये हमारे हैंडसेट में इंजीनियर मोड नाम का एक नया पेज एक्टिवेट हो गया है, और इसी पेज का इस्तेमाल हम अपने सर्विस सेंटर में भी करते हैं अपने हैंडसेट को किसी भी प्रॉब्लम से ठीक करने के लिए। याद रखिएगा, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बेसिस पे जो प्रॉब्लम होते हैं सिर्फ उन्हें यहां से ठीक किया जाता है, हार्डवेयर का जो रिलेटेड होता है उसके लिए हमें कोई और मेथड अप्लाई करना होता है। फिलहाल यहाँ से आप अपने हैंडसेट में किसी भी सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे सभी ऑप्शन को यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल करना है अपने हैंडसेट को हम कैसे अनलॉक करेंगे, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम अभी फिलहाल हमारे लिए यही है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो है मैनुअल टेस्ट। आप देख सकते हैं नंबर 4 पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मैनुअल टेस्ट दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, मैनुअल टेस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और अब यहाँ पे आपको नया पेज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ सेकंड वाले पेज पे जाना है जिसका नाम है डिवाइस डबिंग, और यहाँ पे अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, जहाँ पे आपको दिखेगा जायरोस्कोप, आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना और इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे भी जो सबसे ऊपर में जो ऑप्शन है ग्राफ का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक्स, वाई और जेड नाम का ऑप्शन दिख रहा है, और ये तीनों यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग मोड में है, तो इसे मिनिमम 3 सेकेंड के लिए आपको सिंक्रोनाइज होने देना है। जब आपको लगे कि 3 सेकेंड या उससे ज़्यादा हो चुके हैं तो आप यहाँ से बैक हो जाएंगे, और उसके जस्ट नीचे जो आपको सेकेंड ऑप्शन है जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, इसे आपको यहाँ पे क्लिक करके ओपन करना होगा। और अब यहाँ पे आपको टेस्टिंग थी जिसका रिजल्ट हमें पास देखने को मिल रहा है। यदि अभी भी आपका यहां पे फेल दिख रहा है, इट मींस कि आपका कुछ प्रोसेस जो है वो आपसे मिस्टेक हुआ है। आपको दोबारा से सारे प्रोसेस को आपको यहां पे अपने हैंडसेट में रिपीट करना है जब तक कि पास ना जाओ। जैसे ही आपको पास दिख जाए यहां से आप बैक हो जाइएगा, दोबारा से बैक हो जाएंगे, और सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम होगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। आपको इसे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो ऑप्शन जो कि मैनुअली नॉट स्टार्टेड मोड पे हैं, हमें इन्हें टच करके दोनों को स्टार्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यदि यहाँ पे दोनों टेस्ट स्टार्टेड में एक भी यदि पास दिख रहा है तो समझिए कि आपका काम हो गया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे एक जो सेकेंड वाला है वो यहाँ पे
टेस्ट पास का मैसेज आपको देखने को मिला। इसका मतलब कि अभी तक के जितने भी प्रोसेस हैं हमारे हैं वो सब सही जा रहे हैं। अब यहाँ से बैक करेंगे और सबसे लास्ट वाला जो अदर का पेज है वहाँ पे चले जाएंगे और आप देख सकते हैं हम यहाँ पे अदर वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे टोटल आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। बस आपको यहाँ पे 2 स्टेप लेना है और आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे दिए गए डेटाबेस वर्जन को 7 टाइम क्लिक करना। तो चलिए यहाँ पे इसे स्टार्ट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अब इसके बाद जो हमारा जो लास्ट स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन में एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट, इसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और अब आपको यहाँ पे इसे कंफर्म करने को कहा जा रहा है, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे पहली बार में इसे आपको कंफर्म नहीं करना है, इसे कैंसिल कर देना है। सेकेंड टाइम आपको सेम प्रोसेस को करना है और इस बार भी इसे कैंसिल कर देना है। तीसरी बार भी आपको सेम करना है और इसे तीसरी बार में भी कैंसिल करना है, लेकिन फोर्थ टाइम में आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना। और आप देखोगे आपका यहाँ पे जो रॉन्ग पासवर्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि आपका जो हैंडसेट है उसके पासवर्ड यहाँ पे रीसेटिंग मोड पे चला गया है। बस आपको एक स्टेप लेना और आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा। वो लास्ट का स्टेप है सिंपली यहाँ पे होम बटन को क्लिक करना और आप देख सकते हैं हमारा जो हैंडसेट है ये अनलॉक हो चुका है। यदि आपका भी हैंडसेट अनलॉक हो गया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी भी आपका हैंडसेट अनलॉक नहीं हुआ है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारे टीम मेंबर की तरफ से आपको एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल के हेल्प से हम आपके हैंडसेट को 2 से 5 मिनट के अंदर गारंटेड अनलॉक करके दे देंगे। तो एक बार ज्वाइन बटन को ट्राई जरूर कीजिएगा।